नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव किसान भारत में। आइए जान लेते हैं 28 जनवरी 2023 को मक्का के भाव ऑल इंडिया में क्या रहे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2415, फिरोज़ाबाद में 2360, मुजफ्फरनगर में 2400, हरदोई में 2060, संडीला में 2070, सहारनपुर में 2480, कानपुर में 2220, बहराइच के नानपारा में 2090, फरुखाबाद में 2250, मेरठ में 2435, मैनपुरी में 2400, माधोगंज में 2060, लखीमपुर में 2100, अलीगढ़ में 2400, फरुखाबाद में 2220, कासगंज में 2500, कानपुर में 2600, कन्नौज में 2500 का पाव देखने मिला। गाज़ियाबाद के हापुड़ में 2450, हाथरस में 2400, गोंडा में 2120, मैनपुरी के घिरूर में 2010, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 2335, देवरिया में 2170 का भाव देखने मिला। तेलंगाना के वारंगल में 2100, नलगोंडा में 1500, मेदक के सिद्दीपेट में 2275, महबूबनगर में 2260, खम्मम में 2320, करीमनगर में 2160, नलगोंडा में 2100, निज़ामाबाद में 2000, मेदक में 2300, निज़ामाबाद में 2000, आदिलाबाद में 2180, वेलोर तमिलनाडु में 2540, कोयम्बटूर में 2300, विलुपुरम के थिरुकोविलूर में 2260, थेनी में 2400, संगरपुर में 2020, कोयम्बटूर में 2200, करुमंतरे में 2060, ईरोड में 2300, कोटा राजस्थान में 2200, चित्तौड़गढ़ में 2220, टोंक में 2500, बूंदी में 2210, चित्तौड़गढ़ के बैगू में 2020, बारह में 2500, झालावाड़ में 2200, ओडिशा के नवरंगपुर में 2500, महाराष्ट्र मंदू दरबार में 2800, नासिक के सताना में 2160, अहमदनगर में 1900, पुणे में 2500, सोलापुर में 2100, जलगांव में 2070, नंदू दरबार में 2100, नागपुर में 2400, मुंबई में 2300, मुंबई में 3300, बुलढाणा में 2070, नासिक के लासलगांव में 2175, अहमदनगर में 2180, कलवन में 2150, जलगांव में 2050, धुले में 2090, चालीसगांव में 2060, अम्बलनेर में 2200, मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2310, खरगोन के सहगांव में 2300, शिवपुरी में 2070, खरगोन में 2040, खंडवा में 2000, राजगढ़ में 2200, होशंगाबाद में 2003, धार में 2080, छिंदवाड़ा में 2170, बुरहानपुर में 2090, बड़वाह में 2000, अंजड़ में 2020 का भाव देखने मिला। किसान साथी, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।